नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कहते हैं जब कुत्ते से काम हो जाता है तो उसका शातिर मालिक अपने कुत्ते को गोली मार देता है। या ये भी कहा जाता है कि जब किसी पालतू से जी भर जाए या जब आपका पालतू काम के लायक ना रहे तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। आजकल ऐसा ही पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको और पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान आतंक की खेती करता है और तैयार आतंकियों को पूरी दुनिया में खून खराबे के लिए भेजता है। ऐसा ही एक पालतू आईएसआई का है जो कश्मीर में अशांति पैदा करने के साथ ही भारत में हुए कई आतंकी हमलों के जिम्मेदार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन पर 25 मई को इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इन दिनों सलाहुद्दीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इस हमले की योजना आईएसआई ने ही बनाई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और गंभीर हालत में उसका इलाज इस्लामाबाद में चल रहा है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि सलाहुद्दीन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नामक पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह के गठबंधन का प्रमुख भी है। इसके साथ ही साथ सलाहुद्दीन को अमेरिकी विदेश विभाग ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। खुफिया एजेंसी की माने तो इस्लामाबाद में 25 मई को हिजबुल मुजाहिदीन परिसर के पास उस पर हमला किया गया और यह हमला आईएसआई ने कराया। विशेषज्ञों की माने तो यह हमला सलाहुद्दीन को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे और उसके आतंकी संगठन के सदस्यों को एक संदेश देने के लिए किया गया, ताकि आगे से मालिक की नाफरमानी याद रहे। अगर कोई पालतू कुत्ता इस तरह की नाफरमानी करेगा तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि सलाहुद्दीन और उसके आईएसआई हैंडलर के बीच पिछले साल अगस्त में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से फासला बढ़ना शुरू हो गया। खुफिया सूत्रों की माने तो सलाहुद्दीन या उसके संगठन को भारत सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कदम के बारे में कोई एहसास ही नहीं था। इसके बाद से ही आईएसआई ने धीरे धीरे हिजबुल मुजाहिदीन से अपना समर्थन वापस लेना शुरू कर दिया था। इसी के जवाब में आईएसआई ने सलाहुद्दीन को भारत सरकार के कदम के खिलाफ घाटी में बड़े पैमाने पर हमले का निर्देश दिया, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा, जिससे आईएसआई नाराज हो गया और उसका अंजाम अब दुनिया के सामने। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाक आर्मी और आईएसआई अपने पालतू गुर्गों से काम लेता है और अगर काम के लायक नहीं होते तो उसे कैसे हटाता है। ये आप समझ सकते हैं कि सलाहुद्दीन आज कहां है और कैसे मौत के घंटे गिन रहा है।